तो फ्रेंड आज हम लोग मैं आई हूँ अपने ससुर के ननिहाल में। तो ये है हमारी दादी सास का। शादी में जाने के लिए ये देखिए, दोनों हाथ में मेहंदी लगी है मेरे को। और कैसी लगी मेरी मेहंदी? तो ये घर बना है हमारे भैया लोगों का, ये पूरा गांव है, ये देखिए ये पूरी बस्ती और सामने ये सब पूरा बना। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ 10:30 बजे, और मुझे जाना है शादी में। हमारे ससुर जी के ननिहाल में शादी है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड ये देखिए हमारी सिमैया सूख रही है जो कल बन के आई थी, और ये देखिए मैंने सिमैया बनवा के बुलवाई हूँ, तो अच्छी बारीक भी बनी है। ये देखिए फ्रेंड बहुत अच्छी लग रही है। और आप लोगों को खाना होगा तो ज़रूर आइए हमारे घर। और ये देखिए मैंने कल जो पापड़ बनाई थी चावल के, वो सॉरी गेहूं के पापड़ बने थे, तो ये कल बने थे, ये देखिए सूख गए हैं। अब इनको भी मैं रख देती हूँ क्योंकि मेरे को जाना है, और ये सब बाहर रहेंगे तो डस्ट बैठेगा, इसलिए मैं इनको सबको अंदर रख दूँगी। ये देखिए और हमारे पापड़ कैसे बने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी मेहंदी जो मैंने कल लगवाई थी। फ्रेंड हम हो गए तैयार जाने के लिए, और ये मेरा बैग भी तैयार हो गया, मेरा पर्स, और स्टॉल बांध लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और बस अभी आने में टाइम है। और तो मैं अपनी डॉली के भी पैर पढ़ लेती हूँ, परी के भी और गौरी के भी। कहीं जाते हैं तो जरूर गौ माता के पैर पड़ के निकलना चाहिए। ठीक है जी, जी मैं जा रही हूँ। हाँ जय गौ माता। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं। तो फ्रेंड आज हम लोग मैं आई हूँ अपने ससुर के ननिहाल में। तो ये है हमारी दादी सास का मायका है, और ये उनकी नतिया बहू है। देखिए धुल रही है कपड़े, भाभी देखो ये हमारी भाभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा घर। पुराना घर तो तोड़ दिए भैया लोग ने, अब नया घर बना है। तो चलिए आपको मैं घर दिखाती हूँ। तो ये घर बना है हमारे भैया लोगों का, तो ये हमारी दादी सास का मायका है, तो उनका घर दिखाती। भैया ने तोड़ के बनाए हैं, ये देखिए। तो मैं पीछे से ही बनाते आ रही हूँ। तो ये उनका किचन है, भाभी ने बनाई है अभी घर नया। ये देखिए फ्रेंड, ये दहेज के घाघरा रखे हमारी भाभी के। ये देखिए, और एक कमरा ये हो गया किचन, और ये दूसरा रूम है। ये देखिए पहले से बहुत परिवर्तन आ गया, और ये फर्स्ट वाला रूम है उनका, बैठक रूम। ये देखिए फ्रेंड, तो सोचो कि हमारे ससुर का ननिहाल है ये। और ये सो रहा है हमारा भतीजा, और सामने ये पूरा गांव है, ये देखिए ये पूरी बस्ती, और सामने ये सब पूरा बना हुआ है। पहले बहुत छोटा सा था घर, ये ऐसा घर था पहले, और अब काफ़ी परिवर्तन आ गया पूरे गांव में। मैं बहुत साल के बाद आई हूँ, और भी इनके इनकी बहन वगैरह यहीं रहती हैं, भैया हमारे ससुर की बहन लोग भी है यहाँ पर। मैं उनका सबका घर दिखाऊंगी, और जिनके यहाँ शादी है उनका भी दिखाऊंगी। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में बताइए कि हमारे सिमाई पापड़ कैसे बने हैं। तो चलिए चलते हैं।